अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने ये बात गोरखा बटालियन के लिए कही थी। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाले जनरल बिपिन रावत भी इसी गोरखा बटालियन से ताल्लुक रखते थे। 8 दिसंबर 2021 तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बिपिन रावत विमान हादसे का शिकार हुए। इससे पहले 2015 में वह हेलीकॉप्टर क्रैश में बाल बाल बचे थे। यह घटना 3 फरवरी 2015 की है, तब बिपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे। जब ये हादसा जब हुआ तब बिपिन रावत सेना की नागालैंड के दामापुर स्थित 3 कोर के हेडक्वार्टर के प्रमुख थे। दामापुर से रावत अपने चीता हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकले लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद उनके विमान ने नियंत्रण खो दिया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हालांकि उस वक्त उन्होंने मौत को मात दे दी थी। 2015 में तो जनरल रावत ने मौत को मात दे दी लेकिन 2021 हेलीकॉप्टर क्रैश में वो नहीं बच सके। माहौल गमगीन है, हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं लेकिन ये दुख देश कभी नहीं भुला पाएगा।